इसको कहीं देखा है? अरे ये तो कबूतरी है। कल तक तो बच्ची लगती थी पर आज साड़ी में कयामत लग रही है। तुझे पूजा पाठ में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मुझसे गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? उस दिन कबूतरी की शादी नहीं रुकवाता तो आज उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा होता, एक अच्छे लड़के के साथ सुखी व्यवाहित जीवन जी रही होती। और अब क्या होने वाला है? अब मेरे साथ भाग के एक दर्द भरी व्यवाहित जिंदगी जिएगी बेचारी। क्या बोला, ये चक्कर कब चला? बस अभी 36 सेकंड पहले ही बड़ा जोर का चला। मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तेरे आसपास भी नहीं फटकूंगा। अरे जा, मैं कबूतरी पर फोकस करता हूँ। तेरी मेरी दोस्ती खत्म। चुका है जिसका आपके हर अंग अंग को हर पल इंतजार होता था। तो अपने तड़कते फड़कते अरमानों को अंदर छुपा कर रखिए क्योंकि कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। ये पकड़। अंकल, अंकल बोला हाँ। इसके पास नहीं पल दो पल बोलता है अंकल। चक्रीटा कबना झिंगुर, एक एम्बुलेंस मंगा के रख। क्या कहा? अरे इसका डांस देख के क्या जवानी वापस आएगी? सुना है उसका डांस देखने से उम्र बढ़ जाती बोले है। बोले तो ढिंचा करीटा के हाथों ही तेरा अंतिम क्रियाक्रम करा दूं। स्टॉल में जा, वहाँ देखते देखते लेट जाना। मुझे भी रीटा के दर्शन करवा देना। तेरी बीवी को वीडियो कॉल करूं क्या? भाई सुन, आधार कार्ड बनवा क्या? धत तेरे की। हेलो शरम, तो हमार गहना है। कपड़े देख के अंदाजा लग रहा है। चलो पब्लिक पागल हो रही है, फेयर एंड लवली बाद में लगाना। ज्यादा वेट कराएगी तो पूरी जनता ग्रीन रूम में आ जाएगी। अरे राजा तू भी चिकना है, हमसे ब्याह कर ले, रोज फ्री में डांस दिखाऊंगी। चल हट पगली, शर्म से पानी पानी करेगी क्या? बीवी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। रुक जा, अभी अपडेट देता हूँ। भाई बताना नहीं, सुधरेंगे नहीं ये लोग। हेलो हेलो, चेक चेक, 1 2 3। माइक तो सही काम कर रहा है पर अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ चल, आंधे 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 नहीं बस रुक रुक रुक, चल जाने दे। उसको बकवास करने दो, हम लोग चाय पीते हैं। चाय पार्टी चल रही है तुम लोग की? हाँ अबे एक एक की पगार काट लूंगा मैं। सोच लो पगार चाहिए चाहे। स्टीरियो डीटीएस 3D वॉल्यूम बेस इको स्पीकर शीकर सब चेक कर लिया ना? सब सेट है। तेरे माँ बाप के पुण्य है जो इस फंक्शन में काम मिल गया। ए साउंड दादा, डीटीएस डीटीएच मेरे को पता है। अरे अनाउंसर मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। संभालेगा ना? हाँ खूब बालो। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, थोड़ा नीचे नीचे लो 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 कर दो। अभी ऊपर 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 ऊपर, स्माइल 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 स्माइल, हंसते 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 हंसते। फटाफट दादा हाँ? ए, कुछ ही किससे। थैंक्स। मुगलों के जमाने का सिस्टम लाया और साइलेंट पिक्चर का माइक लेकर आया है। बैठिए ना। दीजिए दीजिए। हाँ ठीक है। अरे ये क्या कर रहा है? अभी अभी तो शर्ट पहनी थी। आगे आगे देखते जा। लगता है किसी की शर्ट की दुकान में हाथ मारा है। मैंने दोस्ती रखी होती तो 2-3 शर्ट मुझे भी मिल जाती। सुन भाई चिट्ठी पकड़। हाँ? और इको मार के मेरा इंट्रोडक्शन बोलना। ए भाई हिंदी पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में लिख के दे। देख ली ना हीरोगिरी, इसीलिए बोला था किसी लोकल को बुला। ला चिट्ठी, ठीक है अभी स्टेज पे जाके तुझे लोकल स्टार बनाता हूँ। बैठ जाओ, नीचे बैठो। हाँ नीचे साफ किया। प्रोग्राम की बैंड बजाने के लिए, सॉरी प्रोग्राम की वो बढ़ाने के लिए, शान बान बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस एरिया के एक लोकल हीरो को। स्पॉटलाइट घुमाओ। अरे ये तो हटप्पा की मूंछ के बराबर भी नहीं। गला साफ हो गया। देवियों और सज्जनों, दिन रात काम करने वाले, बिना रुमाल पसीना बहाने वाले, धरती से सोना उगाने वाले, सामने बैठे प्यारे किसान भाइयों को मेरा सलाम है। उन्हें भी सलाम जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के आए हैं, उन बुड्ढों की भी जिनकी लाइफलाइन कभी भी खत्म हो सकती है,
वो मन चले लड़के जो प्रोग्राम के बहाने पाउडर लिपस्टिक से सजी सावरी लड़कियों को ताड़ने आए हैं, उनको तो मेरा स्पेशल सलाम है। और उस खड़ूस बुड्ढे को भी जो अपने मुंह पर पूंछ सहलाता रहता है। इन शॉर्ट विद्या गांव के सभी लोगों को युवा स्टार बोस और उसके चेले की तरफ से सलाम नमस्ते तालियां। देवियों और सजनों, मक्खियों की तरह भिन भिनाते यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके सामने पेश है लाखों के दिल की धड़कन बन चुकी, जो अपने हौसले के जाल से लाखों परिवारों को बर्बाद कर चुकी, वो जो कईयों को हार्ट अटैक देके ऊपर पहुंचा चुकी, वर्ल्ड फेमस इन जागरिता का तड़कता भड़कता मस्त हॉट आइटम डांस आने वाला है, जोरदार तालियां। मुच्छड़ की मूंछ नीचे हो गई। बहुत कठिनाइयों के बाद आपके लिए मनोरंजन का इंतजाम किया है। कई बूढ़े खुशर लोगों ने हमारा जोर शोर से विरोध किया, लेकिन अरे भाई साहब गला सूख रहा, पानी पिला दो यार। एक लीटर पानी। रुकावट के लिए खेद है। नलका है। सजनो कपड़े धो लो। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। बोल वचन बनकर और डिंचा ग्रीटा को भेज जल्दी। अरे उतरेगा के जूता फेंकू। दिल से इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये मुझे मेरी बात सुनो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के लिए। और एक बार अरे देखो उसको मजा आ रहा है, सीढ़ी बजा रही है। रुको बकवास बनकर डिंचा ग्रीटा के जलवे दिखा। क्या कर रहा है तू, जाके रोकना, ये सब क्या हो रहा है, चल रहा है। ये सबका धर्म भ्रष्ट करेगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो डांस कर रही है वही रीटा है क्या? अरे नाम छोड़ो बुढ़ाओ, आंखें सेको। ये कलयुग में क्या हो रहा है? जवान तो जवान, बूढ़े भी बौखला गए। पूरा माहौल अपवित्र कर दिया। नीचे बैठा, नीचे, नीचे। आग लगे इस ढिंचा क्रीटा को। अरे रोक। अरे दीदी 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 दीदी। रुक। देख तो बिजली क्यों बंद कर दी? देखो क्या हो रहा है वहां। मंदिर का उत्सव हो रहा है या खुले में हनीमून हो रहा है? अरे कोई भजन वजन लगा? लेकिन हमें भजन पे डांस करना आता ही नहीं है। ए, नहीं आता तो किसी कोठे पे जाके नाच। अगर भजन नहीं लगाया तो तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है जैसी आपकी इच्छा। ए, ये फैंसी ड्रेस उतारो और साड़ी पहन लो। और हटप्पा जी। हाँ क्या कहा उन्होंने? रुक अभी बताता हूँ तुझे। चक कहाँ है, उसको बुलाना। बैठ जाओ सब। बंद करो वरना गोली चला दूंगी। अरे ये क्या हटप्पा, ये सामान क्यों लोड कर रहे हो? एक भाई की तरफ से बहन को तोहफा है। कौन सी बहन? जो मेरे सामने है। मेरी कोई बहन होती तो उसके लिए यही सब करता। मुझे तुम में अपनी छोटी बहन नजर आती है। तुमने भी तो अपने भाई का कितना ख्याल रखा बहना। ये क्या कह रहे हो, मंदिर का काम था, उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी जो मैंने निभा दी, उसके बदले ये सब क्यों, रहने दीजिए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत अमीर खानदान से हूँ, पर हमारे घर में सब दूसरी या चौथी फेल है। आज मेरी बेटी 12वीं कक्षा पास कर गई, वो भी पता है फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो उसका कारण कौन है? आप ही तो है। उस दिन आपने शादी रोक के मेरी आंखें ना खोली होती तो ये सब कैसे होता भला। हट्टप्पा जी आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगर आपको थैंक्स कहना है तो बोस कुमार को कहिए। बोस कुमार को? हाँ। दिल का साफ है और कपड़े भी साफ पहनता है वो। हाँ हट्टप्पा जी, उसी ने पुलिस स्टेशन आकर शादी रोकने की कंप्लेन की थी। अच्छा। अगर कंप्लेन ना होती तो मैं आपके घर आकर शादी ना रुकवाती। अरे रे 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 रे। अब मैं चलूं? हाँ बेना। हट्टप्पा जी याद आया, कहा था ना मैंने, तभी तो नहीं माने थे।
अब क्या करेंगे बोलिए ना। जला पे नमक मत छिड़क। जिस तरह हटप्पा ने कालीचरण का कान काटा था ना, उस कमीने बोस का भी सीधा सिर काटेगा। उसे बकरे की तरह काटना, सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर फांसी चढ़ जाऊंगा मैं। इतनी हिम्मत? कल का पैदा हुआ लौंडा और हटप्पा से दुश्मनी मोल ले रहा है, ये सुन के ही मेरा खून खोल रहा है। मेरा खून पी जाऊंगा उसका। मैं उसे चींटियों की तरह मसल दूंगा, जूतों के नीचे दबा दूंगा, उसे मार दूंगा मैं उसको, नर पहुंचा दूंगा। सिर्फ एक बार आप फांके दो। सुनना, मुझे 10 का छोटा वाला रिचार्ज करा देना। अरे इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा है, कुछ नहीं मिलेगा। म्याऊ। हाँ, आ गया बस स्टैंड। कबूतरी इतनी रात को घोंसले से बाहर? कबूतरी कौन लेने जा रही है? आ गई कबाब में हड्डी। इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम का कौन नहीं, मेहंदी का कौन लेने जा रही है? अरे थोड़ी सी मेहंदी अपने मुंह पे भी चिपका ले, अभी बीच में बोली ना तो तेरे मुंह का डिजाइन बिगाड़ दूंगा। हेलो म्याऊ, किचो हेल्प दरकार? नो थैंक्स। इंग्लिश मतलब मेरे बच्चे मुझे बाबा की जगह फादर बोलेंगे। मुझे ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगा। शुक्ला जी, आजकल दिखाई नहीं देते हो, मुझसे नाराज हो क्या? अरे बोलो ना शुक्ला जी, क्या बात है? भैंस चला रहे? पहले ही बताओ उधारी कब चुकाओगे? हाँ तो EMI चल रही है ना, यही लिए हम बार बार कहता हूँ औकात देख के चॉकलेट खरीदो। ये शुक्ला पूरी इज्जत का शुक्ला कर रहा है। ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा है। हमें डिजाइन की समझ है। वैसे कबूतरी तुझे मैं स्कूल जाने वाली बच्ची समझता था, लेकिन जिस दिन तुझे साड़ी में देखा ना, कसम से दिल उछल के बाहर आ गया। वाह, जानता हूँ तू भी मुझसे प्यार करती है। ये सब फालतू की बात है, दिमाग घास चढ़ने गया है, पलटी मार रही है। उस दिन ऐसे घूर रही थी मानो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं तो हर लड़के को ऐसे ही देखती हूँ। अच्छा वो टीचर के लिए जो रिबन भेजा था वो तूने बालों में क्यों लगाया? पता होता इतने सवाल करोगे, मैं बैल को उस रिबन से बांध देती। तुम्हारे पैसों का रिबन इस्तेमाल करने के लिए सॉरी। अब चलो यहाँ से।